न जाने क्या उदासी है, क्या जाने याद आया है। ये सारा शहर तो जैसे कि रंगों में नहाया है, मगर ना जाने क्यों मन का यहाँ जुड़ता नहीं नाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता। मैं जाने क्या उदासी है, क्या जाने याद आया है। ये सारा शहर तो जैसे कि रंगों में नहाया है, मगर ना जाने क्यों मन का यहाँ जुड़ता नहीं नाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता। और क्या है मन की वहां पो अजब सा, नुक्ता मत पकड़िएगा, अजब सा एक अकेलापन है छुप छुप के सहा इसमें, अजब का एक अकेलापन है छुप छुप के सहा इसमें। मैं सारी उम्र दे करके यहाँ जीता रहा जिसमें, अजब सा एक अकेलापन है छुप छुप के सहा इसमें। मैं सारी उम्र दे करके यहाँ जीता रहा जिसमें, मगर इस शहर में मन का, मगर इस शहर में मन का प्रवासी पन नहीं जाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं, मेरे साथ गए, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता। गांव अंदर शहर बाहर खुदी से एक अनबन है। नेहा जी राजस्थान के गांव से आती है, गांव एक शहर का एक कस्बा है, फलौदी शहरी है, पर अभी मुझे बता रही थी कि वहां की है। बाबा रामदेव का भजन कुछ लोगों ने मेरे मुंह से सुना हो तो ये उस शहर के पास की है। तो ये नेहा जी के नाम की वाला छंद, गांव अंदर शहर बाहर खुदी से एक अनबन है, कि जब अंदर ही अंदर अन कहीं सी एक टूटन है। गांव अंदर शहर बाहर खुदी से एक अनबन है, कि जब अंदर ही अंदर अन कहीं सी एक टूटन है। तो बाहर मुस्कुराने का, तो बाहर मुस्कुराने का हुनर मुझको नहीं आता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता। मनोज जी के मिजाज की बात, यहाँ हर प्यास है, क्या है शहर, यहाँ हर प्यास है गीली, यहाँ हर सांस जहरीली, यहाँ हर प्यास है गीली, यहाँ हर सांस जहरीली, मुसाफिर हर थका हारा, यहाँ हर राह पथरीली, यहाँ हर प्यास है गीली, यहाँ हर सांस जहरीली, मुसाफिर हर थका हारा, यहाँ हर राह पथरीली। भरे दिखते हुए मन का, भरे दिखते हुए मन का ये खालीपन नहीं जाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता, शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता। अजब रफ्तार है कोई न कुछ सुनता न कहता है। देखिए महफिल हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम महीने में एक बार आते हैं, बैठते हैं और सुनने की कोशिश तो करते ही हैं। मुझे नहीं पता कितना सुन पा रहे हैं, पर सुनने की कोशिश करते हैं, तो वरना ये जिंदगी की रफ्तार बहुत अजीब सी है। अजब रफ्तार है कोई न कुछ सुनता न कहता है, न जाने किस लिए मन में ये भारीपन सा रहता है। अजब रफ्तार है मन की
न कुछ सुनता न कहता है न जाने किस लिए मन में ये भारी पंस रहता है। उखड़ कर अपनी मिट्टी से के जैसे फूल मुरझाता शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता शहर का हो नहीं पाता लौट कर घर नहीं जाता। और मैं बालकृष्ण गर्ग ने एक कविता सुना रहा था तो मैंने किस्सा बताया कि कभी कभी शहरों में जब लाइट चली जाती है गांव में तो गई हुई रहती है शाम के 5 बजे बंद हो जाती है और शहरों में जब लाइट चली जाती है तो लोग तड़प जाते हैं लाइट चली गई। यहाँ पे तो न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज बन जाती है कि लाइट जाने वाली है और वो मूर्खता ऐसी है कि जब लाइट जाती है तभी हम प्रकृति के नजदीक होते हैं तारे दिखने लगते हैं आसमान के अंदर। तो कुछ तो हमें घबराहट है पता नहीं हम क्यों हमारी जो अस्तित्व है उस अस्तित्व से दूर होना चाहते हैं। तो कभी बिजली और जुगनुओं को देखेंगे तो उस अंधेरे में ही दिखते हैं वरना तो आप